नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मेदिनी नगर यानी कि पलामू में झारखंड मुख्यमंत्री मयन सम्मान योजना के प्रमंडल स्त्री कार्यक्रम में क्या कहा और क्या कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड का विकास तभी संभव है जब यह के आदिवासी, दलित, गरीब, वंचित, मजदूर, किसान और महिलाएं सशक्त होंगे। राज्य सरकार इन सबको साथ लेकर एक मजबूत झारखंड बनाने की दिशा में काम कर रही है। तो इसी उद्देश्य से झारखंड मुख्यमंत्री मयन सम्मान योजना की शुरुआत की गई है, जो महिलाओं की गरिमा और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री ने बताया है कि उनकी सरकार गांवों से चल रही है, न कि सिर्फ रांची हैंड काउंटर से। गांवों को मजबूत बनाकर राज्य को मजबूत किया जा रहा है। पिछले 20 सालों में जिन गांवों में सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचे थे, वह अब अधिकारी दल बल के साथ जाकर लोगों की समस्या को सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं अब घर घर तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके दौर कार्यक्रम फिर से शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उन्हें सरकारी योजना से जोड़ा जाएगा। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने कई विकास कार्य पूरी किए जो पिछले 20 वर्षों में नहीं हो पाए थे। अब राज्य के तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अब कोई भी बुजुर्ग पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। पेंशन योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी अब पेंशन मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चियों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है ताकि वे डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनकर समाज और राज्य का नाम रोशन कर सके। इसके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और अन्य योजना लागू की गई है। सखी मंडलों को मजबूत बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं और 10,000 करोड़ रुपये से अधिक वितरित हो गए हैं ताकि महिलाएं स्वावलंबी बन सके। साथ ही राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान की जा रही है। अंत में मुख्यमंत्री ने झारखंड मुख्यमंत्री मयन सम्मान योजना के तहत कुछ करोड़ लाखों महिलाओं के बैंक खातों में सम्मान राशि का हस्तांतरित की, जिससे महिला शक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। इस कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।